हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑटो शॉप की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। ये दिखाना था आपको कि हमने अपनी कार में, जो कि है RXT 2015 मॉडल क्विट, ठीक है, उसमें नए मॉडल का जो 8 इंच में मीडिया नेविगेशन सिस्टम आता है उसको इंस्टॉल किया है। तो आप जैसे देख रहे हैं कि बिल्कुल नया जैसा ये लग रहा है कि नए मॉडल में, जो नए कार के जो मॉडल्स अभी आ रहे हैं 2020-21 में जो भी लॉन्च हुए हैं, वो सब 8 इंच के मीडिया नेविगेशन लॉन्च हुए हैं। तो उसी के जैसा हमारा ये फ्रंट डैशबोर्ड दिखने लगा है, जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है और अपग्रेडेड लग रहा है। लेकिन इसे लगाने में थोड़ा सा जो मुझे काट छांट करना पड़ा, उसका मैं आपको अभी डिटेल्ड वीडियो दिखाने वाला हूं, और पूरी वीडियो इसी मीडिया नेविगेशन के संदर्भ में हम लोग आज बना रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इसमें 8 इंच का हमने लगाया है, जो कि पहले 7 इंच का मीडिया नेविगेशन था, ठीक है। और ये मेरी कार है 2015 नवंबर मॉडल क्विड RXT। अब इसमें जो पुराना कॉन्सोल था, कुछ इस टाइप का था, मैंने उसको यहाँ से काटने की कोशिश की थी साइड से, और मैंने सोचा कि उसको फिट करूँ, बट मैं कामयाब नहीं हो पाया और ये बहुत गंदा लग रहा था। तो फिर मुझे मजबूरी में सर्च करते करते मैंने फिर ये नया मॉडल का जो है फेसिया फ्रेम मंगाया है। इसे मैं ऑन करके भी दिखा देता हूँ आपको। इस 8 इंच मीडिया नेविगेशन की 2-3 खासियतें हैं जिसकी वजह से मैंने इसको इंस्टॉल किया है। सबसे पहली जो बड़ी खासियत है वो है 8 इंच का जो इसका स्क्रीन है, काफ़ी बड़ा है, कम से कम इतना बनता है। 7 इंच में थोड़ा सा, क्योंकि ये वाला एरिया कटा रहता है, तो लगता है कि ये थोड़ा छोटा दिख रहा है। अब दूसरी जो बड़ी खासियत है इस सिस्टम की, वो है इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं थ्रू USB एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कार प्ले। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, आपका मोबाइल कनेक्ट हो जाता है पूरी स्क्रीन के साथ में, उसके बाद आपका सिस्टम हो गया आप ऑनलाइन, इंटरनेट से आप उसमें गाने सुनिए, इंटरनेट से आप गूगल मैप चलाइए, आपको पूरी वॉइस कमांड यहाँ पे मिलती है। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम लोडेड हो जाता है उस समय जब इसके साथ में कनेक्ट हो जाता है इंटरनेट और फ़ोन। उसके बाद आपको गाड़ी में कहीं भी ऐसा फील नहीं होता है कि आप किसी छोटी गाड़ी में बैठे हैं, और जो मैप है वो गूगल मैप यूज़ होता है, तो रियल टाइम मैप चलता है जिसमें आपको रास्ते में कोई भी परेशानी नहीं होती। ऑफलाइन मैप में जो 7 इंच में रेनॉल्ट देती थी, उसका रेस्पॉन्स मुझे तो कोई खास अच्छा लगा नहीं, इसलिए मैं उसको कभी यूज़ भी नहीं करता था। हमेशा हम लोग, आप भी देखते होंगे कि आप भी जब यूज़ करते हो तो फ़ोन से ही गूगल मैप यूज़ करते हो, और उस पर उसकी ऑथेंटिसिटी भी अच्छी होती है। बाकी जो ऑफलाइन मैप है वो आपको कहाँ लेके जाएगा, पुराने डाटाबेस होने के कारण वो नए रास्ते भी नहीं दिखा पाता, सही कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो अभी मैंने इसको जो खांसी हो रखी है मुझे, ये जो मैंने इसको इंस्टॉल किया है उसमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है सबसे पहले मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मुझे ये कॉन्सोल, इसका जो फेसिया है वो मंगाना पड़ा है। दूसरा, इसमें मैंने काट पीट की है, 2 लगे हुए हैं ये, ठीक है, और एक USB केबल पोर्ट यहाँ पे आपको हम देते हैं, इस यूनिट के साथ में देंगे। और ये यूनिट्स हैं हमारे पास में कुछ, जो कि सारी 8 इंच में हैं, इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये अवेलेबल है हमारे पास में कुछ, एक 10 बची हुई हैं, अभी 15 थी जिसमें से हमने कुछ बेच दी हैं, ये अभी हमारे पास 5 यहाँ पे रखी हुई हैं और 4-5 और हैं अंदर, तो कुल मिला के अभी 10 का स्टॉक हमारे पास है। ये सारी अनयूज्ड थी, रेनॉल्ट के किसी सप्लायर से हमने ली हैं ये, जो कि
इसमें बिल्कुल भी कोई सॉफ्टवेयर वगैरह था नहीं, फिर हमने इसमें सॉफ्टवेयर को लोड किया है और इसको बिल्कुल नए सीरीज से हमने स्टार्ट किया है। तो आप कह सकते हैं एकदम नए यूनिट्स हैं। इनका प्राइस मैं बिल्कुल आपसे छुपाऊंगा नहीं, 15,000 रुपये में हम एक यूनिट बेच रहे हैं। हल्का जरा मरा सा स्क्रैच आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि इनको बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों ने कैरी नहीं किया है, इनके डब्बे वब्बे टूटे हुए थे, सो दैट इन पर थोड़ा जरा जरा सा स्क्रैच आ गया है। बाकी सारी वर्किंग कंडीशन में है और ऐसा कोई स्क्रैच नहीं है जो आपको परेशान करेगा, फ्रेश कंडीशन है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमने ये मंगाया है इसका फ्रंट फेसिया कंसोल, ये ओरिजिनल मंगाया है तो आप देख सकते हैं 2397 रुपये का ये पड़ा है और ये 150 रुपये के करीब इसमें हमें कोरियर चार्ज लगे हैं, थ्रू बूडमो हमने इसको परचेज किया है। अच्छी बात ये लगी मुझे कि इसका जो एसी वेंट है ये इसके साथ में आए हैं, ये जो एसी वेंट हैं ये साथ में आए हैं और ये नए मॉडल के हो गए हैं। पुराने मॉडल के बहुत हल्के थे, बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन इनको लगने के बाद मेरी मुझे लग रहा है मेरी कार में प्रीमियमनेस झलकने लगी है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे कैसे इसको फिट किया है। तो मैं इसको वैसे वैसे ही खोलूँगा जैसे जैसे मैंने फ़िट किया है और आपको समझाता जाऊँगा कि आपको कैसे कैसे इसको फ़िट करना है। मेरे से कोई हेल्प चाहिए तो मैं अवेलेबल हूँ आपको हेल्प देने के लिए। हमारी वेबसाइट से आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, लिमिटेड स्टॉक है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ कि RXT अगर आपकी कार है, पुराना मॉडल है, नया मॉडल है, तो क्या क्या आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, और अगर आपकी RXL है तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। आप किसी भी क्विड में, आप किसी भी RXT मॉडल में, RXL में या ट्राइबर में, किसी भी गाड़ी में इसको लगा सकते हैं। तो मैं अभी आगे चलता हूँ, आगे चल के आपको दिखाना शुरू करता हूँ। दोस्तों मैं आ गया हूँ आगे और यहाँ से मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। हुआ क्या कि ये जो पैनल था ये पूरा नहीं आ रहा था, मतलब ये नया मॉडल का पैनल है और जो पुराना मॉडल का पैनल है वो यहाँ तक नीचे तक जाता है, ठीक है। तो ये नया मॉडल का पैनल अगर उसकी हम बात करते हैं तो मैंने ये हिस्सा नीचे से काटा है इसका, ये इतना आ रहा था, मतलब नीचे तक ये नहीं जाने की वजह से छोटा पड़ रहा था। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ से कट कर दिया, जो नीचे वाला हिस्सा था मैंने यहाँ तक इसको रखा और नीचे वाला जो हिस्सा है ये पुराने पैनल का मैंने कट कर दिया। यहाँ से देखिए ये पुराना पैनल है, इसका मैंने यहाँ से कट कर दिया और इसको मैंने नीचे लगा दिया। ऊपर वाला हिस्सा जो था वो मैंने मीडिया नेविगेशन के नीचे वाली, सो दैट मुझे ये क्या मिल गया कि ये पूरा जो इसका क्रोम का जो यहाँ पे गार्निश दिया गया है ये मिल गया है मुझे पूरा, और इसके बाद फिर ये भी मुझे मिल गया। तो यहाँ से मैं आपको दिखाना शुरू करता हूँ, ये मैं नीचे वाला खोल लेता हूँ सबसे पहले। ये इसका हिस्सा था तो ये मैंने काटा यहाँ से और नीचे इसको फिट कर दिया। अब ये जो हिस्सा था ये वाला, इसमें नीचे मैंने दो पत्तियों को इसके साथ में अटैच किया है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ गर्म करके इसके साथ पीछे चिपका दिया है इस पत्ती को और इस से स्क्रू से मैंने इसको यहाँ पे सपोर्ट दिया है। तो नीचे दो सपोर्ट स्क्रू से मिले हुए हैं इस पैनल को ताकि ये हिले ना, और ऊपर वाला जो इसका हिस्सा है वो लगभग सेम लॉक के साथ में कनेक्टेड है। मैं आपको अभी उसको पूरा खोल के दिखा देता हूँ ये कैसे खुलने वाला है। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने ये दो पत्तियां यहाँ पे लगाई हैं और जो नीचे इस पैनल को हिलने से रोकती हैं और स्क्रू के साथ में कनेक्ट हो जाती हैं। इसके जो पैनल हैं वो कुछ इस तरीके के हैं, ऊपर वही दो लॉक और बीच में एक सपोर्ट है
वहाँ पे भी वैसा ही है। तो ये थोड़े छोटे थे, मैंने इनको थोड़ा चौड़ा किया है, ऐसे भी और ऐसे भी लंबा भी किया और थोड़ा चौड़ा भी किया है, तो इसमें आ गया ये। बाकी जो यूनिट है हमारी वो पूरी की पूरी उन्हीं स्क्रू के साथ में कनेक्टेड है, चार जो पहले 7 इंच वाले थे, या सेम ही डिज़ाइन RXL में भी होता है। आप इसको पूरा खोल लेंगे तो आपको यहाँ पता चल जाएगा, यहाँ पे आपको ब्लैंक जगह मिलेगी, उसमें आप इस यूनिट को लगा सकते हैं। तो ये तो था इसका हिस्सा, अब मैं इस यूनिट को भी खोल के आपको दिखा देता हूँ। हम जाएंगे इसके पीछे तक, ठीक है, ये ऑन है, ऑन पोजीशन में मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको लगे कि ये जब आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो एकदम इंटैक्ट देख रहे हैं। मैंने वीडियो के साथ में कोई छेड़खानी नहीं की है, हमारा उद्देश्य यही है कि आपको जो ओरिजिनल वीडियो है वही दिखाई जाए। अब आप पीछे का इसका पूरा पैनल देख सकते हैं, बैक पैनल है ये मीडिया नेविगेशन का। इसमें RXT का जो सबसे पहला ये मेन पावर प्लग है 12 पिन वाला, ये लगा होता है। तो ये RXT टू RXT क्योंकि ये सेम है, और ये सब बड़े मॉडल में आते हैं RXT में या RXT ऑप्शनल में, टॉप मॉडल्स में ही आते हैं टच स्क्रीन्स, तो उनका सेम होता है, ठीक है। और एंटायर रेनॉल्ट डेकिया जितने भी दूसरे इनके सिस्टर कंसर्न कंपनीज हैं सब में ये इसी टाइप का पावर प्लग यूज़ करते हैं, तो इसमें भी इन्होंने सेम यूज़ किया है और ये 100% इसके साथ में मैच करता है। दूसरा 24 पिन मेल फीमेल होता है, सॉरी 24 पिन ये कनेक्टर होता है जो कि इस साइड में लगता है। ये दोनों आप की गाड़ी RXT है तो उसमें मिल ही जाएंगे। दो हैं ये, एक रेडियो और एक वाईफाई का, आपका ब्लू वाला जो है ये GPS का एंटीना है, और ये वाइट वाला जो है वो है आपका रेडियो का एंटीना। जो लास्ट बचता है वो है USB पोर्ट, ठीक है। आपके RXT में हो सकता है पहले जो 7 इंचेस हैं उनमें किसी में यहाँ पे USB पोर्ट रहा होगा, तो आपको अब वहाँ के बजाय पीछे देना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ से ले जा करके ये दिया है। ये एक मिनी USB यहाँ कनेक्ट होता है, उसके बाद यहाँ कन्वर्टर लगा है और फिर ये USB में गया है पीछे, और नीचे जाके ऐसे करके मैंने ये इसमें इसको लगाया है दो स्क्रू की मदद से। तो ये सिंपल इस तरीके से इंस्टॉलेशन होता है इसका, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अंदर की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ये थोड़ा सा कट करना पड़ा है इनर साइड से, क्योंकि ये जो नया वाला पैनल है उसमें थोड़ा अड़ रहा था यहाँ से, तो इसको मैंने थोड़ा काटा जरूर है, ठीक है। तो आप हल्का सा छील लीजिएगा यहाँ चाकू से, इसमें बहुत इजी है ये इंस्टॉल करना, बहुत कठिन नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड करने के लिए आपको जो जो चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी वो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके जितनी हेल्प हो सकेगी मैं आपकी करूँगा। अगर आपको यूनिट्स चाहिए तो हमारे पास स्टॉक में अभी हैं, आप परचेज़ कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों वीडियो, किस तरीके से हमने अपने 7 इंच के मीडिया नेविगेशन को हटा के 8 इंच में कन्वर्ट किया है, और ये बहुत अच्छा रिजल्ट इस समय दे रहा है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छी रही होगी। अगली वीडियो इससे भी अच्छी होने वाली है, क्योंकि मैं इस गाड़ी में इंस्टॉल करने वाला हूँ एक 9 इंच का एंड्रॉयड सिस्टम। साथ में उसकी खासियत ये रहेगी कि उसके अंदर आपको मिलेगा देखने को बर्ड व्यू कैमरा सिस्टम, यानी कि 360 डिग्री कैमरा सिस्टम। चार कैमरे होंगे, दो लेफ्ट साइड में और एक फ्रंट और एक बैक साइड में। उसके बाद आपको उसी 9 इंच में स्क्रीन के ऊपर ही मिलेगा TPMS सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो अगली वीडियो के लिए प्लीज़ आप वेट कीजिए थोड़ा सा,
बहुत जल्दी आई थिंक विद इन दिस वीक, इसी हफ्ते में हम लोग उसे लॉन्च कर देंगे और वो सेल के लिए भी अवेलेबल होगा। कुछ शुरू के यूनिट्स पे उनमें हम लोग एक ऑफ़र के थ्रू कुछ फ्री गिफ्ट भी देने वाले हैं और डेफिनेटली आपको वो प्रोडक्ट भी बहुत पसंद आने वाला है। तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो को हम जब भी आपके लिए लाते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ हमारे चैनल्स पे, हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर्स की भी थोड़ी गिनती बढ़ जाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, शुभ रात्रि।